ये एग्जिट पोल के आंकड़ों के और जो कंसेंसस आंकड़े हैं उसके मुताबिक बाजार का रिएक्शन आज बहुत स्ट्रांग था। हल्की से हायर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। आई थिंक जिसने शुक्रवार को एक्सपोजर लिया होगा एक स्पेकुलेटिव स्विंग करने के लिए, उसने कैश में कन्वर्ट किया होगा अपने आप को। आपकी अप्रोच क्या है, बाजार अब किस ट्रेजेक्ट्री में रहेगा मोर और लेस, और किन सेट ऑफ स्टॉक्स पे आप फोकस कर रहे हैं इस वक्त? मॉर्निंग, आई थिंक जो रिजाउंडिंग विक्ट्री है एग्जिट पोल के हिसाब से तो क्लियरली वही रिफ्लेक्ट कर रहा है और इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस है एग्जिट पोल भी और जो मार्केट की ओपनिंग भी है। मेरे ख्याल से ओवरऑल तो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ही रहेगी और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। खाली दिक्कत ये है कि यार इतना बड़ा गैप अप हो गया है और पर्टिकुलरली जो जो मोदी बास्केट है उसके स्टॉक्स के अंदर हम बहुत ही बड़ा एक गैप अप देख रहे हैं, तो एक बार उसके अंदर थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करके थोड़ा सा एक यू नो दो या तीन पार्ट में बाय करने की अगर स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो जरूर से अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस किया था, नतीजे अच्छे थे और अभी बॉन्ड यील्ड्स भी ठीक ठाक है और जो FII की फ्लोज है वो भी अगर इम्प्रूव होती है तो वो लोग ऐसे पॉकेट्स ऐसे सेक्टर्स चुनेंगे जहां पे अर्निंग्स भी है, वैल्यूएशन की कंफर्ट भी है, तो उसमें बैंकिंग श्योरली टॉप के ऊपर आएगा। बैंकिंग में ध्यान में रखें और इसके अलावा जो बाकी के जो पॉकेट्स है जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, PSUs, ये पॉकेट्स के अंदर जरूर से हमें बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल हिमांक, गुड मॉर्निंग। मैं एक व्यू चाहूँगा आपसे अब अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर। यहाँ पर कोई प्रेफर्ड आइडिया होगा क्या आपके पास? Well, I think अदानी का तो मतलब जो सबसे टॉप अगर किसी को इलेक्शन के लिए खेलने का था तो वो मतलब नो ब्रेनर था और खाली बात यह हुई अनुज की इलेक्शन के एग्जिट पोल के भी पहले स्टॉक सारे फ्लेयर अप हो चुके थे। अगर आप अभी भी खेलना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको दो पार्ट में लेने की नीति बनानी पड़ेगी और सबसे पहले मेरे जो ध्यान में आ रहा है वो है अदानी पोर्ट। आज 8-9% स्टॉक ऊपर है पर मुझे लगता है कि इसके अंदर इवेंचुअली अगर आप 2-3 साल का व्यू लेके चलोगे तो बहुत अच्छा अपसाइड देखने को जरूर से मिल सकता है। अदानी ग्रीन एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और जिस तरह का फोकस है ऑन ऑल्टरनेट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसके अंदर मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन कैन बी अ बिग परफॉर्मर ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years। तो अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, ये दोनों में तो देखना ही चाहिए और अदानी पावर में भी मुझे लगता है कि एक अच्छा सा एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि गैप अप है तो थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, ये अपने हाथ में नहीं होता है, बट जरूर से ये कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर स्मॉल एक्सपोजर से शुरू करें और अगर थोड़ा और मौका मिले ड्यू टू वोलेटिलिटी उसमें एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक और गेस्ट हमारे साथ।